Friends, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona, and today I am going to discuss the poem A Prayer to My Daughter, written by William Butler Yeats. So this poem is really very important for the UGC NET exam and the other competitive exam. अगर आप लोग कहीं पर भी English literature से appear हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा important poem है A Prayer to My Daughter, written by William Butler Yeats in the 1921. So this is the important poem, and this will be lecture on this poem, and this will be the first part of this poem. But because this poem is a very long poem, and हम लोग यहाँ पर इसका only first part discuss करेंगे. 10 stanzas की poem है, इसीलिए बहुत ज़्यादा long ये हो जाती है. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके 2 or 3 stanzas को लेकर ही हम लोग इसको poem को पढ़ेंगे, because poem को जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका background समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो हम लोग यहाँ पर अपनी पोयम स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वांट टू टेल यू द गाइस, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. और हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए. यहाँ पर हम लोग का सिलेबस जो है, हम लोग वन बाय वन अपने पोएम्स को और हमारे जो भी हमारे नॉवेल्स होते हैं, जो भी हमारे ड्रामाज होते हैं, उनको कवर अप करते हैं. आप लोग चैनल के लिंक पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे आपके वीडियोज़ जो हैं अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो आपके लिए जो भी नीड हो, आप उन वीडियोज़ को जाकर फॉलो कर सकते हैं. और हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे. बट अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन गाइस, दैट ये हम लोग यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा आ चुका है पोयम का. बट यहाँ पर स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले हम लोग गाइस बात करेंगे कि जो हमारी पोयम है उस पोयम के बारे में हम बात करेंगे, इसका एक बैकग्राउंड जो है हम वो डिस्कस करेंगे. जैसे कि ये पोयम 1921 में विलियम बटलर येट्स ने लिखी है अपनी डॉटर के लिए, जो डॉटर उनकी एन जो रहती है उनके लिए लिखी है. और ये जो इनकी जो वाइफ थी, जॉर्ज हाइट जो उनकी वाइफ थी, इनसे इनकी ये डॉटर थी, और इसके लिए इन्होंने ये पोयम लिखी हुई है. इनकी डॉटर को इन्होंने डेडिकेट की है ये पोयम. एंड यहाँ पर इनकी जो प्रीवियस जो जिनके साथ इनका लव अफेयर था मॉन्टगोमरी, इन पर भी इन्होंने पोयम लिखी हुई है. सो यहाँ पर मॉन्टगोमरी जो है इनका हम लोग ईस्टर 16 जो पोयम लिखी थी उसमें भी हम लोगों ने मॉन्टगोमरी का अपीयरेंस देखा था. तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ईस्टर 16 को जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो कि 1961 में लिखी थी, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें मॉन्टगोमरी का अपीयरेंस था. एंड यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एन, जो कि हमारी पोयम है. एन जो है हम डॉटर है विलियम बटलर ईट्स की, जॉर्ज हाइडन की जो वाइफ रहती है उनसे ये होती है. एंड यहाँ पर अब यहाँ पर दिखाया गया है कि विलियम बटलर ईट्स किस तरह से बहुत ज़्यादा वरिड है अपनी डॉटर के लिए, और उन्होंने इस पोयम को अपनी डॉटर के लिए लिखा है. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारी फर्स्ट लाइन जो है वो क्या है. सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट लाइन्स देकर आपसे पूछा जा सकता है कि दीज लाइन्स आर बिलोंग्स टू विच वर्क. ओके, एंड लाइन्स हम लोग को थोड़ा सा रिमेंबर होना इसलिए भी ज़रूरी होता है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन के लिए कई बार डायरेक्टली लाइन्स पूछी जाती है, तो वहाँ पर आपको किसी भी पोएम का रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस पोएम से ये लाइन ली गई है. तो आप लोग इनको ऑलमोस्ट आपको याद ही करना होता है. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, वंस मोर अ स्टॉर्म इज हाउलिंग एंड हॉली अंडर हेज अंडर दिस क्रैडल हुड एंड कवर्ड. सो यहाँ पर विलियम बटलर ईट्स जो है वो बात कर रहे हैं एक स्टॉर्म के बारे में. ये स्टॉर्म और कुछ नहीं, जहाँ पर जब आयरिश जो सिविल वॉर चल रहा था उसके बारे में बात की गई है, कि इस आयरिश सिविल वॉर को स्टॉर्म से इन्होंने क्या किया है, कंपेयर किया है. एंड यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि वन मोर स्टॉर्म इज हाउलिंग एंड हॉली अंडर हेज अंडर दिस क्रैडल हुड एंड कवर्ड. सो यहाँ पर इनकी डॉटर जो है वो एक क्रैडल में जो है यहाँ पर सो रही है. माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन, देयर इज नो ऑब्स्टिकल. सो उस क्रैडल में इनकी चाइल्ड, इनकी डॉटर एन जो है वो बहुत अच्छे से सो रही हैं. एंड यहाँ पर विलियम बटलर ईट्स कहते हैं कि माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन एंड देयर इज नो ऑब्स्टिकल, कि उनकी मेरा जो बच्चा है वो यहाँ पर सो रहा है और उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है. बट ग्रेगोरी वुड एंड वन बेयर हिल वेयर बाय द हेस्टेक ऑफ रूफ लेवलिंग वेंट.
एंड यहाँ पर वो अब विंड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो विंड पर आ गए हैं, स्टॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कि इनकी एंजाइटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ब्रेज ऑन द एटलांटिक कैन बी स्ट्रेट एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड। एंड यहाँ पर विलियम बटलर एट्स जो है उनकी एंजाइटी जो है बढ़ती जा रही है, बिकॉज पॉलिटिकल रेफरेंसेस रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, आयरिश सिविल वॉर चल रहा है। सो यहाँ पर एंड विलियम बटलर एट्स जो है वो अपने डॉटर एन के लिए बहुत ज्यादा वरिड हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, वो उनकी एंजाइटी जो है बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड, जो कि उनके माइंड में चल रहा है। आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर, और वो क्या बोल रहे हैं कि आई हैव वॉक्ड, मतलब मैं चलता हूँ और मैं अपनी इस यंग चाइल्ड के लिए प्रे करता हूँ। एंड हर्ड द सी वाइंड स्क्रीम अपॉन द टॉवर एंड अंडर द आर्चेस ऑफ द ब्रिज अंडर द स्क्रीम। सो यहाँ पर ये जो सेकेंड स्टेंजा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर ये जो है शिफ्ट हो गई है पोएम टॉवर में, एंड द टॉवर नाम से इन्होंने पोएम जो लिखी गई है उसी टॉवर के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर अब जो सी विंड स्क्रीम जो है, यहाँ पर मतलब हवाएं जो है बहुत तेजी से चल रही हैं, तो पूरी तरह नेचर पर फिक्स हो गई है पोएम। एंड जिस तरह से ये हवाएं चल रही हैं वो क्या कर रही है, इनकी एंजाइटी को और ज्यादा बढ़ा रही है। तो उस बारे में ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी एंजाइटी जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। In the elms above the flooded stream, imagining the excited reverie that the future years had come. तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो फ्लडेड स्ट्रीम है जो है, और ये जो एक्साइटेड रिवर्स जो है, ये सब क्या कर रही है, इनकी एंजाइटी को बढ़ाते जा रही है। ये बहुत ज्यादा एंशियस फील कर रहे हैं अपनी डॉटर के लिए। डांसिंग टू अ फ्रेंजाइड ड्रम आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। तो यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन है, ये जो सेकेंड स्टेंजा की, यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेंजा फिनिश होता है, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक आपका मर्डरस इनोसेंस जो कि हम लोग बोल सकते हैं पैराडॉक्स जो होता है हमारा, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से मर्डरस इनोसेंस, मतलब कि मर्डर भी हो रहा है और वो इनोसेंटी के साथ में, इनोसेंसी के साथ में हो रहा है। तो यहाँ पर ये मर्डरस इनोसेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। ये एक लिटरेरी डिवाइस है इंग्लिश लिटरेचर में। मे शी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट। तो यहाँ से हमारा जो थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मतलब वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि गॉड हमारी बेटी को, हमारे चाइल्ड को ब्यूटी तो देना, उसे खूबसूरत तो बनाना, पर इतना भी ज्यादा खूबसूरत मत बना देना कि दूसरों की आंखें जो है वो एकदम से कैसी हो जाए, स्ट्रेंजर्स जब उसको देखें तो उनकी आईज डिस्टॉर्ट ना हो, मतलब चकाचौंध ना हो। इतनी ज्यादा खूबसूरती उसको मत देना, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल उसको मत बनाना। ये विलियम बटलर एट्स प्रे कर रहे हैं, किससे, गॉड से प्रे कर रहे हैं, मतलब ये अपनी डॉटर के लिए हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा वरिड है, मतलब वहां पर जो आयरिश रिवोल्यूशन चल रहे हैं उनकी वजह से क्या है, ये बहुत ज्यादा वरिड है अपने डॉटर के फ्यूचर को लेकर, बहुत ज्यादा वरिड है, और इसीलिए ये यहाँ पर प्रे करते हैं गॉड से कि गॉड मेरी ब्यूटी को मेरी डॉटर को ब्यूटी तो देना। मे शी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट, बट इतनी भी ज्यादा ब्यूटी मत दे देना कि वो क्या हो जाए, उसकी आंखें जो है लोगों की, स्ट्रेंजर्स की आंखें जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो जाए, चकाचौंध ना हो जाए। और हर्स बिफोर लुकिंग ग्लास फॉर सच, और मेरी बेटी इस तरह से ना हो जाए कि वो बस मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखती रहे। Being made beautiful over much consider beauty a sufficient and lose natural kindness may be. So यहाँ पर हमारे पोएट जो है वो कहते हैं अब कि जब ब्यूटीफुल जो है लोग जो होते हैं वो, मतलब ब्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब सफिशियंट से भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो अपनी नेचुरल काइंडनेस को क्या करती है, खो देती है। मतलब वो यहाँ पर एक तरीके से बात कर रहे हैं कि जब कोई भी चीज जो है वो सिर चढ़कर जब बोलती है, हमारे जैसे कि ब्यूटी जो है अगर वो भी सिर चढ़कर बोलती है, तो क्या होती है, नेचुरल काइंडनेस जो होती है, मतलब इंसान के अंदर का जो ह्यूमन जो होता है वो कहीं ना कहीं मर जाता है। द हार्ट रिविलिंग इंटीमेसी द चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड। सो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जब ब्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इंसान घमंडी हो जाता है, प्राउडी हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसको दोस्त भी नहीं मिलते हैं। द चूज राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, मतलब वो उसको अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं, उसको सही दोस्त नहीं मिलते हैं। हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल।
और यहाँ पर अब वो हेलेन का रेफरेंस देते हैं कि हेलेन जो थी हमारी, जो कि लैडा, जो हम लोगों ने पोएम डिस्कस की थी लैडा एंड स्वान के बारे में, उनसे जो डॉटर हुई थी हेलेन, हेलेन की ब्यूटी के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग को रेफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर भी हमको मिला डॉक्टर फास्टस में भी हम लोग को हेलेन के बारे में मिलता है रेफरेंस। तो हेलेन जो है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उनकी वजह से एक पूरा का पूरा 10 ईयर वॉर वॉर जो है, ट्रोजन वॉर जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर क्या हो गया था, वो यहाँ पर हुआ था हेलेन की वजह से। तो यहाँ पर वही बात रेफरेंस हमारे डब्ल्यू बी ईट्स ले रहे हैं कि हेलेन को भी खूबसूरती मिली थी और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उनकी वजह से क्या हो गया था, 10 ईयर जो लॉन्ग वॉर है हमारा वो यहाँ पर हो गया था। तो ये हमारे इन्होंने हेलेन का रेफरेंस देकर बात की। तो ये हमारे स्टार्टिंग के 3 स्ट्रेंजर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग अदर स्ट्रेंजर जो है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और आज के लिए हम लोग इस पोएम को इतना ही रखेंगे बिकॉज समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट वीडियो का हम लोग कल अपलोड करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय। बट बिफोर गोइंग आई वॉन्ट टू टेल यू अगैन दैट अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हम लोग मिलेंगे कल अपने न्यू वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।